हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एमरोन इन्वर्टर के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एमरोन का इन्वर्टर है, इसकी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने और घटाने के बारे में। तो दोस्तों, आज तो जो ये मैंने टॉपिक लिया है, केवल मैं आपको इसकी आउटपुट बढ़ाने के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो मैंने पार्ट लिया है, ये तीन पार्ट में कम्प्लीट मैं इसको करने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि एक पार्ट में तो बोरिंग सा हो जाता है और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मेनली जो टॉपिक है वो आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपने कहीं से भी स्किप कर दिया है तो शायद आप लोगों को कुछ समझ में ना आए। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, इसकी आउटपुट बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने टूके का एक प्रीसेट ले लिया है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने टूके का एक प्रीसेट ले लिया है और मैं बताऊंगा कि कहां पर लगाना होगा। तो दोस्तों, ये जो आपको टूके का प्रीसेट लगाना है, ये जो 3x की फीडबैक वोल्टेज आती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सर्किट में पीसीबी में यहां पर लगी हुई होती है। फीडबैक का एक वायर, कोई भी वायर आपको कट कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से आप इस वायर को कट कर लेंगे और इस प्रीसेट, तो दोस्तों आपको इस तरह से ये पोर्ट लगा लेना है, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। आप इस तरह से लगा देंगे इसे, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी वोल्टेज किस तरह से कम और ज़्यादा आपको कर लेने हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इन्वर्टर ऑन करूँगा, आपको मीटर में वोल्टेज दिखाई देंगे, जैसा कि आप लग रहे हैं 229 वोल्ट। और जैसे ही मैं प्रीसेट को मूव कराता हूँ, वैसे ही आपको आउटपुट वोल्टेज अप और डाउन भी होता दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 250 वोल्ट यहाँ पर आ चुकी है मैंने ये पोर्ट को, मैं जैसे मैं इसे वापस लूँगा तो वैसे ही वोल्टेज डाउन भी हो जाएंगे।